सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेस्टोरेंट बंद क्यों जाते हैं। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो में मैं यही टॉपिक कवर करने वाला हूं कि एक रेस्टोरेंट क्यों बंद हो जाता है 2 से 3 महीने चलने के बाद। दोस्तों, अगर आपका खुद का एक रेस्टोरेंट है और ग्रो नहीं हो पा रहा है तो जरूर इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होगी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इंडिया में 100 में से 80 रेस्टोरेंट जो है वो बंद हो जाते हैं। सिर्फ 20% रेस्टोरेंट होते हैं जो चल पाते हैं, जो अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबली रन करते हैं और बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर आप इन 20% में आना चाहते हैं तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए है। इसको प्लीज कंप्लीट देखिएगा। मैं छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपके, सिर्फ 15 मिनट लूंगा लेकिन ये 15 मिनट आपके लिए फ्रूटफुल बना दूंगा दोस्तों, गारंटी है इस बात की। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा लोकेशन के बारे में। आप सबको पता है यार, और ये सिर्फ फूड बिजनेस का ही नहीं है, हर बिजनेस में लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं काफी सारे वीडियोस में ये चीज बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों मैं यहां पर आपको बहुत सारी चीजें बता दूंगा कि ऐसी लोकेशन ले लो, ऐसी लोकेशन ले लो, लेकिन डिपेंड करता है कि आप जहां पर खोलने वाले हैं वहां पर आपको कैसी लोकेशन मिल रही है। दोस्तों, लोकेशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट होता है आपका सिलेक्शन ऑफ कुजीन, आप कौन से कुजीन में काम करने वाले हैं। देखो, मैं आपको बोल दूंगा कि आपको अपना रेस्टोरेंट खोलना है रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास, कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास, तो लोकेशन के हिसाब से ही कुजीन का सिलेक्शन भी होता है। आप किस मेन्यू आइटम में काम करने वाले हैं ये भी सिलेक्शन ऑफ लोकेशन पे मैटर करता है। तो ये दोनों दोस्तों इंटरैक्ट करती हैं चीजें आपस में। अगर आपकी लोकेशन स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड के पास है तो आप नॉनवेज, वेज किसी भी कुजीन में काम कर सकते हैं। अगर आप किसी टेंपल के पास शॉप खोल रहे हैं तो आप नॉनवेज आइटम नहीं रख सकते, वहां स्वीट आइटम रखनी है। आपको देखना है कि कौन सी चीजें हैं जो प्रसाद में जा सकती हैं, वैसी आइटम रखनी है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन डिपेंड करता है आपको, आप जहां पर खोल रहे हैं आपको उसके हिसाब से अपनी कुजीन्स को सेट करना। जैसे हरियाणा में दूध दही का काम ज्यादा है तो आप उस तरीके का कोई रेस्टोरेंट या कैफे खोल सकते हैं जहां पर मिल्क के बहुत सारी वैरायटीज हो। इस तरीके से आपको समझना है, अपना सिलेक्शन ऑफ कुजीन बहुत ही ध्यान से करना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपको जो चीज खाने में पसंद आती है आपने वही खोल लिया। दोस्तों, अगर जिम के आसपास है, बहुत सारी 2-3 जिम है, मतलब एक हब है, मार्केट है बहुत बड़ा, तो वहां पर आप किसी भी कुजीन का काम कर सकते हो। दोस्तों, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे कि आप रेस्टोरेंट का बिजनेस ऐसे करो, ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, ये रिसर्च वाली वीडियो नहीं बना रहा हूं मैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स मैंने खुद फेस करी है, वो सारी प्रॉब्लम्स मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ताकि मेरा कोई भी भाई जो रेस्टोरेंट का बिजनेस ओपन कर रहा है उसको नुकसान ना हो। तो इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिए। दोस्तों, इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रेस्टोरेंट के बिजनेस में वो ये होती है कि हमारा बिजनेस अगर 2 महीने अच्छा चल गया, मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया, 2 महीने बहुत अच्छा रेवेन्यू मैंने जनरेट किया, सेल बहुत अच्छी खासी सेल हो रही है, तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपना ध्यान हटा दूंगा, अपना ध्यान कम कर दूंगा बिजनेस पे, मैं घूमने लग जाऊंगा बाहर जा जाकर, मैं रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट में कंप्लीट नहीं रहूंगा, पूरा 24 घंटे में अपनी सर्विस नहीं दूंगा, यानी कि मैं अवेलेबिलिटी मेरी कम हो जाएगी रेस्टोरेंट में। और जैसे जैसे मेरी अवेलेबिलिटी रेस्टोरेंट में कम होती जाएगी वैसे मेरे वैसे मेरी सेल कम होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं भैया। मालिक जब तक नहीं है शॉप पे तब तक काम अच्छे से नहीं होता है, अगर आपको बिजनेस ऑटोमेशन पे अच्छे तरीके से रन करना नहीं आता है तो। और अगर आपका पहला स्टार्टअप है और उसके बाद आप 2 महीने की सेल अच्छी करने के बाद आपको ये लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूं और आपने अपने रेस्टोरेंट को एज अ पार्ट टाइम जॉब की तरह समझ लिया है, आप बस जा रहे हैं 2 घंटा बैठ रहे हैं उसके बाद आप घूम रहे हैं, तो आपका रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका स्टाफ आपको समझ जाएगा और वो उस उन चीजों को समझने के बाद उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से उनको सहूलियत हो रही है। दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज बताना चाहता हूं, भाई गवर्नमेंट जॉब के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है आजकल। तो भैया, बिजनेस को आप इतना आसान क्यों समझ लेते हो, क्यों आप सोचते हो आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देखी, आपने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी और भाई आपने डिसीजन ले लिया कि मैं बिजनेस करूंगा, उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद होता क्या, आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। तो भैया, जब गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी जॉब के लिए आप इंटरव्यू की तैयारी करते हो तो अपने बिजनेस के लिए आप प्री प्लानिंग क्यों नहीं करते हो। आप कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, अगर आपने बिना प्लानिंग के स्टार्ट किया तो वो कुछ ही टाइम बाद बंद हो जाएगा। तो इसलिए प्री प्लानिंग, प्री नॉलेज लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टर्स को इवेल्युएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैं आपको बार बार एडवाइस कर रहा हूं कि जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज बिना मेहनत के हासिल नहीं होती है। आपने ये सोच लिया कि मैंने पैसा लगा दिया, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो गारंटी नहीं है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाएंगे और आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बन जाएगा। नहीं चल पाएगा अगर आपको नॉलेज नहीं है, नहीं चल पाएगा अगर आप शॉप पे पूरी तरीके से नहीं बैठते हैं, नहीं चल पाएगा अगर आप अपने बिजनेस को सब कुछ नहीं समझते हैं अपना। तो आपको
अपने बिजनेस को सब कुछ समझना पड़ेगा, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से नरेश करना पड़ेगा, संभाल के चलना पड़ेगा, तब आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनेगा और बहुत ही कम समय में आप अच्छी तरक्की हासिल कर पाएंगे। अपने बिजनेस के आए हुए पैसे को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगाओ। कम से कम एक साल अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने चला लिया, बिजनेस की आई हुई सेल को आपने मार्केटिंग में लगाया, अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाया, प्रोडक्ट की क्वालिटी में लगाया, शेफ में लगाया और बहुत ही अच्छा अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो आप दूसरा रेस्टोरेंट खोल लो। तो बस आपको यही करना है, बस इन चीजों का ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो रेस्टोरेंट बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है लैक ऑफ मैनेजमेंट और लैक ऑफ हेल्दी कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स। दोस्तों आप जब बैठ ही नहीं रहे हो वहां पर अपने रेस्टोरेंट में तो लैक ऑफ मैनेजमेंट तो हो ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप अपने रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो तो आपको दिख रहा है कि यह चीज गलत हो रही है तो आप उसको सही कर लोगे, लेकिन जब मालिक नहीं होता वहां पर तो चीजें गलत होती हैं। अगर आपको ऑटोमेशन पे अपने बिजनेस को चलाना नहीं आता है तो अगर आपके ऑलरेडी बहुत सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं तो आपको अपने बिजनेस को ऑटो रन पे चलाना बहुत अच्छे तरीके से आता होगा क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन अगर आप पहला रेस्टोरेंट खोल रहे हो या आप रेस्टोरेंट फील्ड में अभी नए हो तो आप अभी बिजनेस को ऑटोमेशन पे मत चलाओ। बिजनेस को ऑटोमेशन पे चलाने से पहले दोस्तों आपके खुद के 2-3 आउटलेट होने चाहिए और आपको बहुत अच्छे तरीके से उनको रन करा होना चाहिए आपने, तभी आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे ले जाओ। साथ ही में दोस्तों आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपने स्टाफ पर कि आपका स्टाफ अपने आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे कम्युनिकेट कर रहा है। कुछ गाइडेंस दोस्तों उनको दो, जैसे कि मैं छोटे से एग्जांपल आपको दे देता हूं। जब कस्टमर आपके रेस्टोरेंट में आए तो उनको ग्रीटिंग दो। कभी भी जैसे गुड सुबह आ रहा है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में आ रहा है तो हाई सर गुड आफ्टरनून, इवनिंग में आ रहा है तो हाई सर गुड इवनिंग। भाई ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं बताएगा आपको, कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, लेकिन ये जरूरी चीजें होती हैं यार। हालांकि आपको बहुत काफी सारे दोस्त मेरे जानते होंगे ये चीजें और ये नेचुरल चीजें हैं, लेकिन हम लोग अपने स्टाफ को नहीं बताते। दोस्तों मेरे को पता है लेकिन जो मैंने स्टाफ हायर किया उसको ये चीज नहीं पता है। तो ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले, बिफोर स्टार्टिंग योर रेस्टोरेंट, बिफोर ओपनिंग योर रेस्टोरेंट, अपने स्टाफ को इकट्ठा करो और एक छोटी सी क्रू मीटिंग ले लो, एक छोटी सी स्टाफ मीटिंग ले लो, 5 मिनट की 10 मिनट की। उन 10 मिनट में अपने स्टाफ को मोटिवेट कर दो, उन्हें बता दो कि अगर मेरी सेल आज इतनी की हो गई, आज टारगेट इतना है, उनको एक ओवरकम दे दो कि आज अगर अच्छी सेल हुई हमारी। टारगेट नहीं दे सकते आप, आपका रेस्टोरेंट छोटा, आप नहीं बताना चाहते अपने स्टाफ को कि मेरे को इतनी सेल चाहिए, तो आप बस इतना बोल दो अगर आज सेल अच्छी हुई तो मैं आज आप लोगों को पार्टी दूंगा या ये दूंगा या आज मेरी तरफ से कोल्ड ड्रिंक की पार्टी, छोटी सी भी पार्टी रख दो यार। और आपका जो ग्राउंड स्टाफ है ना वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांगता आपसे, बहुत ज्यादा आपसे कोई बड़े बड़े मूवी के या आउट ऑफ कंट्री के टिकट नहीं मांग रहा। आप उन्हें छोटी सी छोटी खुशियों से भी बहुत ज्यादा हैप्पी रख सकते हो और उनको हैप्पी रखने से दोस्तों आपका एंड में आपका जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा वो बिल्ड होगा ही होगा, क्योंकि जो आपके आपके जो स्टाफ हैप्पी है तो आपके कस्टमर भी हैप्पी जाएंगे वहां से। इसके अलावा दोस्तों उनको हमेशा बताओ कि आपको कस्टमर से हमेशा हंस के बात करनी है, स्माइल दे के बात करनी है, और कस्टमर अगर कुछ गलत भी बोल रहा है तो आप हमें बता दो, कस्टमर को जवाब मत देना पलट के। आप एजुकेटेड हो, आपके पास मैनेजमेंट स्किल है तो आप जाके कस्टमर से बात कर सकते हो। और अगर आपका स्टाफ बात करेगा जो वेल एजुकेटेड नहीं है, उसका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, तो वो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। इसके अलावा जो रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है दोस्तों पिल्फरेजेंट फ्रॉड की। पिल्फरेजेंट फ्रॉड दोस्तों सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं, सिंपल भाषा में आसानी से समझाऊं तो दोस्तों चोरी चकारी जो रेस्टोरेंट्स में होती है दोस्तों वो तभी होती है जब आप नहीं रहोगे। आपने रेस्टोरेंट खोल लिया, आपने अपने स्टाफ पे भरोसा करके सब कुछ उन पे छोड़ दिया, आपने अपने कुक को बोल दिया कि हाँ भाई तू देख लेगा ना मैं जा रहा हूं जरा जो भी होगा देख लेना, या आपने अपने अपने स्टाफ को बोल दिया कि भाई देख लेना मैं जा रहा हूं और आप घूम रहे हैं बाहर, तो पिल्फरेजेंट फ्रॉड तो होगा ही होगा, चोरी चकारी तो होगी होगी। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। अगर आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते हो आप फिर अवेलेबल रहिए रेस्टोरेंट पे, सिंपल सी बात है। अगर आप कैमरे लगा सकते हैं, वाईफाई कैमरे, उन कैमराज का कंट्रोल आपके फोन पे है, आप कंटिन्यूअसली उसे देख सकते हैं तो ठीक है। अगर आप नहीं देख सकते तो भैया अवेलेबिलिटी आपकी बहुत जरूरी है ताकि आप अवॉइड कर सकें पिल्फरेजेंट फ्रॉड को। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो होती है अकाउंटिंग प्रॉब्लम। अकाउंटिंग प्रॉब्लम में दोस्तों एक ही पॉइंट कवर करूंगा जो होता है आप लोग लिक्विड कैश रखना भूल जाते हो। मेरे पास 4 लाख रुपए हैं, मैं रेस्टोरेंट ओपन कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं है, मैंने पूरा 4 लाख रुपए लगा दी। अब रेस्टोरेंट रन करने के लिए मेरे पास लिक्विड कैश नहीं है और मैंने दिमाग में यह सोच रखा था कि 1 तारीख को मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद तो पैसे आने लगेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, एटलीस्ट आपके पास 4 से 6 महीने का लिक्विड कैश होना चाहिए। आप ये सोच के रेस्टोरेंट खोलो कि 6 महीने तक मुझे रेस्टोरेंट अपने पैसों से ही चलाना है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दोस्तों हाई लेबर कॉस्ट। अब आपका रेस्टोरेंट छोटा है, आपने जो सर्विस स्टाफ है वो 2 रख लिए। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको सर्विस स्टाफ किस हिसाब से रखना है, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। आपको सर्विस स्टाफ पे बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सर्विस स्टाफ यानी कि आपके रेस्टोरेंट में अगर 10 या 12 टेबल है, आपको लगता है कि उनकी सर्विस एक बंदा कर सकता है तो एक ही हायर करो, जरूरत पड़े तब दूसरा बंदा हायर करो अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता कि कितना क्राउड आने वाला है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आसपास के रेस्टोरेंट में जाओ,
बैठो और वहां पर स्टाफ काउंट करो कि ये रेस्टोरेंट कितना चल रहा है, यहां पर रेस्टोरेंट की सेटिंग्स कितनी है और ये यहां पर सर्विंग के लिए बंदे कितने हैं। दोस्तों आप सबको पता है अगर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो भाई मैं यूपीएससी की बुक पढ़ूंगा, इवन मैं यूपीएससी के इंटरव्यूज जो होते हैं वो इंटरव्यूज की वीडियोस देखूंगा। तो भाई अगर मैं रेस्टोरेंट खोलने वाला हूं तो मैं क्यों नहीं आसपास के रेस्टोरेंट में जा रहा हूं, क्यों नहीं मैं उन रेस्टोरेंट से नॉलेज ले रहा हूं, क्यों नहीं? दोस्तों आप सब इतने वेल एजुकेटेड है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में बैठेंगे और आप उस नजरिए से अगर उस रेस्टोरेंट को देख रहे हैं कि मुझे भी इससे अच्छा रेस्टोरेंट खोलना है तो आप उस रेस्टोरेंट की सारी बातें जान लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको प्राइसिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, आपको हाई प्राइस नहीं रखने हैं। सिंपल सी बात है, जब आप आसपास के रेस्टोरेंट में गए वहां पे आपने मेन्यू आइटम चेक किया, जो मेन्यू प्रोडक्ट आप अपने रेस्टोरेंट में रखने वाले हैं वो तो रखो ही रखो, साथ में दोस्तों आप कुछ एक्स्ट्रा भी रखो। लेकिन मैं आपको ये चीज बता दूं यहां पर, भाई अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत ज्यादा मेन्यू आइटम रखने की जरूरत नहीं है। आपके एरिया में जो चीजें हैं कोशिश करो कि उनसे कुछ हटकर रखो, और अगर वो भी रख रहे हो तो उनमें भी कुछ डिफरेंट करो। चाय हर जगह मिल जाती है बट चाय सुट्टा बार ने को थोड़ा सा डिफरेंट किया वो चल गया। मोमोज हर जगह मिल जाते हैं बट वाओ मोमोज ने उसी को बहुत अच्छे तरीके से किया तो वाओ मोमोज एक 300 करोड़ की कंपनी बन गई आज के डेट में। तो थोड़ा सा डिफरेंट लाओ। गोलगप्पे आपको हर जगह मिल जाएंगे लेकिन फ्लेवर वाले गोलगप्पे जहां पर 10 12 15 फ्लेवर होंगे वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं, बहुत जल्दी फेमस हो जाते हैं। तो कुछ अलग करो, कोशिश ये करो कि आप मोनोपोली क्रिएट कर सको मार्केट में, जो चीजें जहां पर आपके मार्केट में नहीं मिल रही हैं उन चीजों को लेकर आओ अपने रेस्टोरेंट में। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है तो ये मत करो कि आपका रेस्टोरेंट चलने के बाद आप प्राइस बढ़ा दो। प्राइस आप बढ़ा सकते हो लेकिन कुछ टाइम के बाद, कम से कम दोस्तों इसमें 8 से 12 महीने का इंटरवल होना चाहिए प्राइस के इंक्रीमेंट में, क्योंकि दोस्तों अभी लोगों ने आना शुरू किया है और लोग आते ही आप प्राइस बढ़ा दोगे तो गलती कर दोगे सबसे बड़ी। दोस्तों अगर आपको बहुत ज्यादा मजबूरी आ रही है, आपने गलती कर दी है प्राइस रखने में, पहली बात तो मैं आपको यह चीज बता रहा हूं आपको प्राइस रखने में गलती करनी नहीं, क्योंकि आपको आसपास के रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू आइटम चेक करने हैं, उनका प्राइस चेक करना है और स्नैपशॉट ले सकते हो। यार आपके पास सबके पास एंड्रॉइड फोन है तो स्नैपशॉट ले लो, उनसे प्राइस को कंपेयर करो। अगर आप बहुत अच्छी क्वालिटी रख रहे हो तो 10, 12, 15, 20, 30, 50 भी ज्यादा रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों इंडिया में ऐसे भी कस्टमर है जो प्राइस को इतना ज्यादा अहमियत नहीं देते अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आप ये चीजों का ध्यान रखो। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हम रेस्टोरेंट खोल लेते हैं लेकिन हम वीकडेज और वीकेंड का पता ही नहीं कर पाते हैं। हमें पता ही नहीं होता किस दिन वीकेंड है हमारे एरिया में और किस दिन वीकेंड है। अब दोस्तों मैं सिंपल सी बात बताऊं आपको, वीकडे और वीकेंड जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, मैकडॉनल्ड्स है, केएफसी है, डोमिनोज है, उनके वीकडेज एंड वीकेंड सेट होते हैं, उनके हर जगह पर वीकडे और वीकेंड्स लगे होते हैं और उनका स्टॉक अलग अलग रखना होता है उनको। तो दोस्तों मंडे ट्यूसडे जैसे आपको देखना पड़ेगा, मंडे वर्किंग डेज होते हैं तो दोस्तों ये आपके वीकडे में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस दिन आपके एरिया में आपके रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा सेल होती है, आपने 3 हफ्ते का रेशियो देख लिया और आपको दिख रहा है कि हाँ भैया मेरा सैटरडे को और थर्सडे को बहुत ज्यादा सेल होती है, तो आपका थर्सडे और सैटरडे आपके वीकेंड्स हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको उस दिन उन दिनों में अपने स्टॉक को मेंटेन रखना है और दोस्तों अपने प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देनी है। इफ यू आर रनिंग अ गुड रेस्टोरेंट एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू मेंटेन योर गुडविल, तो आपके ऑपरेशनल आवर्स में आपका कोई भी मेन्यू प्रोडक्ट खत्म नहीं होना चाहिए। दैट इज प्रीटी सिंपल, इस चीज को ध्यान रखो। दोस्तों वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी बदल गई होगी क्योंकि मैं ये दोबारा से शूट कर रहा हूं। दोस्तों वीडियो शूट मैंने कर लिया, एडिट भी कर लिया, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है इसलिए वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है, माफी चाहता हूं दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में यहीं तक बताऊंगा, इसकी जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी में किस तरीके की दिक्कत हो जाती है जिनकी वजह से बिजनेस बंद होता है, टेस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इसके अलावा दोस्तों किस तरीके की मार्केटिंग आपको करनी चाहिए, साथ ही में दोस्तों स्टाफ की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके अलावा दोस्तों रॉ वेस्ट और कंप्लीट के वेस्ट के बारे में मैंने सारी डिटेल्स दी हैं। तो प्लीज इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।